हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बेटा? आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर मोशन। मोशन में बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पीड। स्पीड के बारे में बेटा बहुत कुछ हम पहले से जानते हैं, जैसे कि हमने मैथ्स में भी कभी पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम जनरल देखें, हम मैथ्स में जो पढ़ते आए उससे मैं लिंक करने की कोशिश करता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे बेटा फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सबसे पहली बात, ये जो स्पीड है, स्पीड इज डिनोटेड बाय द सिंबल वी इंस्टेड ऑफ एस। हम एस से डिनोट ना करने से वी से डिनोट करते हैं। फिजिक्स में एस डिनोट होता है डिस्टेंस से, डी भी डिस्टेंस से, एस भी डिस्टेंस से और एक्स भी डिस्टेंस से। तो कंसेप्ट लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे एस की जगह वी लिख दीजिएगा बस, डिस्टेंस की जगह डी और अपॉन में टाइम। तो स्पीड इज नथिंग बट द टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी इज नोन एज स्पीड। अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी एसआई यूनिट की, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड्स। तो इस तरीके से स्पीड की एसआई यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड, which can be written like this or it can also be written like this। ठीक। अब स्पीड जो होती है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज यहां पे आ रहा है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, इट इज आर स्केलर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज थोड़ा सा नीचे लिखते हैं जिससे कि इजीली आप लोगों को देख भी पाए और समझ भी आ पाए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। सिर्फ दोनों जगह टोटल आ जाता है। एवरेज स्पीड यहां पे वी लिखेंगे और यहां पे शॉर्ट में ए वी जी, दैट इज एवरेज लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस अगेन हम इसको एस से डिनोट कर सकते हैं, टोटल टाइम को टी से डिनोट कर सकते हैं। हमें खुद को बताना चाहिए दैट इट इज टोटल, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग इट इज अ फिजिक्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कंसेप्ट्स नॉट द सिंबल्स। Then V average हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसकी SI यूनिट भी सेम होगी एज दैट ऑफ द स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसी से बहुत मिलता हुआ टॉपिक है, दैट इज वेलोसिटी। अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। बेटा वेलोसिटी स्पीड से बहुत मिलता हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, इसमें और इसमें बहुत छोटा सा फर्क होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। और जनरली हम वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं, उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं जिससे पता चल जाता है दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी, ऊपर एरो लगा देते हैं या सिंपल आप वी भी लिख सकते हो। एवरेज वेलोसिटी इज, सॉरी, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसे ही की बात करें बेटा, अगेन इट इज डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम इन सेकेंड्स। तो इसकी ऐसे ही हो गई मीटर पर सेकेंड, विच कैन बी रिटन एज एम एस माइनस वन, या अपॉन वाला ऊपर रखे माइनस वन होता है। तो अगर एक बार ध्यान से देखिए बेटा, स्पीड और वेलोसिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैसे नहीं है? स्पीड जो होती है उसमें डिस्टेंस आता है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट आता है। स्पीड है
इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो स्पीड है उसको अगर हम ध्यान से देखें बेटा, इट कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। वेयर एज इट कैन बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी कैन बी जीरो। बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम लिख सकते थे यहां पे, पर मैंने कुछ जनरल और मेन पॉइंट्स को यहां पे ऐड करा है। तो जस्ट फाइंड इट आउट द मेन पॉइंट्स आर दिस, ऑल अदर पॉइंट्स आर ऑल्सो देयर। अगर आपको कुछ मिलता है तो यू कैन लर्न दैट ऑल्सो, बट मेक श्योर इट शुड बी फ्रॉम योर एनसीईआरटी, नॉट फ्रॉम एनी हेल्प बुक। नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं जिससे कि आसानी से दिखाई दे। एवरेज वेलोसिटी, अब बेटा जो वेलोसिटी एवरेज होगी जैसे आपने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। इट शुड बी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और यहां जाना चाहिए वी एरो नीचे और यहां पे ए वी जी। तो बेटा ध्यान से पढ़ता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टोटल कैसे होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट ना, तो टोटल वर्ड तो आना नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज अगेन डिस्प्लेसमेंट, पर नीचे टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम आ जाता है। इसका एक और स्पेशल फॉर्मूला है, आप ध्यान से जब भी वेलोसिटी की बात करोगे तो देयर आर टू वेलोसिटीज, एक इनिशियल वेलोसिटी जो किसी भी बॉडी की स्टार्टिंग में होता है, जब आप बॉडी स्टार्ट करते हो तो आपकी जो वेलोसिटी होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय यू वेक्टर। इसी तरीके से दूसरी वेलोसिटी होती है एंड में, जब आप बाद में आखिर में बॉडी रुक गई या बॉडी रुकने से पहले या एंड में जो बात हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी वेक्टर से। सो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है वी एवरेज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आई रिपीट, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू, फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी वेक्टर। तो वी एवरेज हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो यहां से हमारे पास वी एवरेज आ गया। अब एक और टॉपिक देखते हैं बेटा, दैट इज एक्सीलरेशन। बेटा ये वर्ड हमने पहले भी सुन रखा होगा, नहीं सुना सोचो, सुना है बेटा? जब भी हम स्कूटी लेके चलते हैं या कार चला रहे होते हैं तो देयर इज अ पैडल और देयर इज अ ग्रिप विच इज नोन एज एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर का क्या नाम होता है? स्पीड को बढ़ाना। तो एक्सीलरेशन सेम, एक्सीलरेशन इज चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। स्पीड का चेंज होना टाइम के साथ एक्सेलरेशन कहलाता है, और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से। अब बेटा यहां पे स्पीड भी हो सकता है, यहां पे वेलोसिटी भी हो सकती है, और यहां पे स्पीड लेते हैं हम वी माइनस यू बाय टी एक्सेलरेशन। पर यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, यहां ये स्पीड जो है एग्जैक्टली बहुत डिटेल में अगर जाए तो ये स्पीड नहीं होती, इट इज वेलोसिटी, मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो v माइनस यू अपॉन टी, अब आप चाहो तो इस पे एरो लगा सकते हो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। बेटा ये जो एरो लगवाए हैं दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ 11th क्लास। अगर आप अभी बेसिक बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सिंबल दोनों के सेम।
फर्दर आप सोच सकते हो कि एक के ऊपर एरो लग गया, एक के ऊपर नहीं लगा, बट अपने लेवल के लिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना, कई बार हो सकता है मैं खुद भी एरो ना लगाऊं। ठीक, तो एसर्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी असाइनमेंट देखते हैं बेटा, ऊपर है वेलोसिटी, असाइनमेंट होती है मीटर पर सेकेंड, नीचे है टाइम, यूनिट होती है सेकेंड्स। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मीटर, और या ऑन में है तो ऊपर जाने बाद माइनस टू। ठीक, अब कई बार ऐसा होता है बेटा कि जो एक्सेलरेशन आया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव आ जाता है। अब ये नेगेटिव कब आएगा, ये नेगेटिव तब आएगा जैसे हम यहां पे देखते हैं बेटा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ये पूरी क्वांटिटी राइट साइड नेगेटिव कब आ सकती है, टाइम पे नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ऊपर वाली चीज नेगेटिव आ जाती है। ऊपर वाली चीज नेगेटिव कब आती है, जब जो u है हमारा वो बड़ा होगा है इससे v से। इफ u इज ग्रेटर देन v, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा आ जाता है, नेगेटिव। और ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, RETARDATION, रिटार्डेशन। क्लियर, तो रिटार्डेशन इज नथिंग बट द नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। इसकी ऐसा यूनिट भी सेम होती है एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक एग्जांपल लेते हैं जब रिटार्डेशन हो रहा हो, जब भी बेटा ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड तो रिटार्डेशन होता है। जब भी ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड रुक जाती है, कम हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक, यहां पे बेटा हमने जो भी बेसिक्स थे हमारे मोशन चैप्टर के, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट मेन देखेंगे टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तब तक के लिए बेटा आप लोग इस वीडियो को फिर से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियोज भी अपने टाइमली देख पाए और उन्हें भी समझ पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।